अस्सलामुअलैकुम या अहल कुबूर। किन्ने वखात सही वखात सही यार, फड़ 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 पैसे फड़ जल्दी। एक फैमिली के बच्चे लाख रुपए इकट्ठा कर लिया, चार बच्चे लाख रुपए इकट्ठा। टिकट दे लो एक। लो जी टिकट आ गया साढ़े पास। सबसे पहले तो भाई मैं नदीम भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई नदीम भाई के मैं सारे बॉक्स देखता हूँ माशाल्लाह। हेलो जी, वेलकम बैक ब्रांड न्यू विलो। आज है ईद का दिन, मैं चाह रहा था कि कपड़े पहनूं प्यारे शहरे पप्पू शप्पू बन के आपको ईद मुबारक कहूँ, लेकिन उससे पहले आपको ईद मुबारक, ढेरों ढेरों खुशियां आप समेटे और इसके साथ साथ आपने रोजे रखे, अल्लाह ताला उस रोजों को भी कबूल करे। अच्छा अभी मैं जाता हूँ नमाज पढ़ने के लिए, क्योंकि नमाज में तकरीबन 30 मिनट बाकी है, तो जल्दी जल्दी मैं तैयार होता हूँ, कपड़े मेरे रेडी पड़े हुए हैं, सिर्फ फ्रेश हो रहा है, फ्रेश होने के बाद कपड़े पहन के ईदगाह में, तो चलते हैं तैयार होने के लिए। A few moments later. नमाज पढ़ने के लिए मैं जा रहा हूँ ईदगाह शरीफ। जब से मैंने होश संभाली है इधर ही मैं ईद की नमाज अदा करता रहा हूँ, और अच्छी खासी तादाद इधर नमाज पढ़ने के लिए आती है। और भी मस्जिदों में ईद की नमाज होती है, लेकिन ज्यादा जो लोग अदा करते हैं वो ईदगाह में अदा करते हैं, क्योंकि ईदगाह में ज्यादा सवाब होता है नमाज अदा करने का, तो इसीलिए ईदगाह शरीफ में मैं नमाज पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। जाए नमाज हमने बिछा ली और जमात खड़ होने वाली है, नमाज के बाद वो लगा देती है। ईद हमने पढ़ ली, अब अपने मसले से बैठते हैं और निकलते हैं। बहुत मजा आया नमाज अदा करके, और ऊपर से फलस्तीन के लिए दुआएं भी की कि अल्लाह पाक फलस्तीन को आजादी दे, फलस्तीन पे जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उससे निजात मिले। बस बड़ा है यार, पता ही नहीं चलता भाई कितनी बार मैं मिल चुका हूँ। सबसे मुश्किल काम होता है कि भाई सामने वाले ने तीन बार मिलना है या एक बार मिलना है, ऐसे है कि नहीं, आपने कमेंट में बताना है। आप काले तुमने वो सुबह से मार्क्स लगाया तो फर्क पड़ा, कोई नहीं पड़ा, नहीं पड़ा क्यों? ईद मुबारक भाई, ईद पढ़ के आ गए। कितना हाथ हो गया? अच्छा क्या हाथ हुआ बताओ जरा। यार सीन कुछ ऐसा हुआ, टेलर के पास गए थे सूट सिलवाई का। अच्छा उसको सूट दिया कि अच्छे से सीना है आपने, ठीक है। अच्छा, उसको नाप दिया, नाप दिया। अच्छा उसने ना वो खाच मार दी। खाच क्या मारी है उसने ना वो ये दिखाओ जरा क्या खाच मारी है। बड्डी बड्डे पर आके सीधी है, बड्डे पर आके सीधी है, ये मैंने दुखे दिए हुए। एक बड्डी इतने कसाई बने होते हैं, निक्की इतने टेलर बने होते हैं। अच्छा कब्रिस्तान जाने लगे थे, उससे पहले एक हो जाए ग्रुप फोटो, ग्रुप फोटो के बाद फिर हम जाएंगे कब्रिस्तान। तुम्हें तो ईदी भी मिल गई है, कितनी मिली है? मिली इधर दिखाओ 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 दिखाओ, ये पकड़ो जरा, बस वो देखो पूरे पूरे पैसे हैं, पूरे पूरे पैसे, ठीक है ठीक। और कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, कुछ भी। अच्छा अच्छा ये ले ले, बच्चे समझदार हैं, क्या किया जाए क्या किया जाए क्या किया। चले कोई नहीं, जहाँ जुगाड़ लगेगा जुगाड़ लगा लेंगे भाई। अच्छा नमाज भी पढ़ ली, ग्रुप फोटो भी होगी, अब टाइम है कब्रिस्तान जाने का, तो फूल उठाते हैं वहाँ से लेते हैं, फिर कब्रिस्तान जाते हैं। ईद मुबारक। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ईद मुबारक भाई। अवसा है माशाल्लाह, कामयाबी की मुबारक, रमजान की मुबारक, और ईद की मुबारक मेरा भाई, घर भाई कारोबार करना है, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, कारोबार भी करना है, करें जी कारोबार करें। अच्छा यार हमें भी ताज़ा ताज़ा फूल दे दो। लो जी, लो भाई जी पैसे कटो यार अपने, फूल ले ली, और ये इतने ज़रूरी है, जो एक वक्त में आपके साथ आपकी खुशियों में शरीक हुआ करते थे, आज अगर वो आपके साथ नहीं है तो आपको भी चाहिए कि उनके पास जाएं, उनको याद करें। अस्सलामुअलैकुम या अहल कुबूर। अपने प्यारों को हमेशा याद रखें, कब्रिस्तान लाजमी है, इनसे आपकी खुशियां हुआ करती थी, अगर आज वो नहीं है तो आप इनके पास आएं, जितने भी इस कब्रिस्तान में मौजूद हैं लोग, अल्लाह ताला उन सब की मगफिरत फरमाए, बेहिसाब बख्शिश फरमाए। कब्रों पे हमने हो लिए फातिहा खानी भी कर दी है, और अब वापसी ईदी का प्लान है, क्योंकि ईदी है ना वो सबसे ज़रूरी, ईदी के बगैर तो गुजारा होता ही नहीं है। किन्ने वखात सही वखात सही यार, फड़ 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 पैसे फड़ जल्दी। कड़कना नजर ही नहीं आता।
हाथ खाली यार हाँ वे कौन ही जेबी दे किसे बेच भी कौन है यार यहाँ पड़ा वो यार बच्चे बड़े तिखे ने जी बच्चे नहीं हाथ जा रहे यहाँ ये जर्दा बना पड़ा ईद का टाइम हो गया ईद का मेनू तो गाइस ईदी जो है वो हमें मिल गई अब्बा जान ने जितनी देनी थी वो मिल गई कुछ मैंने पैसे रखे हुए थे अपने जो मैंने समा टीवी से कमाए थे वो रखे हुए ईदी हमारी वही होनी थी कर दे यार एक भाई ने बुलाया कि यार हमारे पास आ जाओ मैं कहा चले चलते हैं पैटर्न डलवा ली जी तो गाइस शाहवार भाई इन्होंने बुलाया कि नदीम भाई आपने आना मेरी तरफ ईद मुबारक जी इनके अब्बा जाने कैसे हैं जी आप जी अल्लाह का शुक्र है ठीक ठाक माशाल्लाह माशाल्लाह ये मेरी वीडियोस बड़ी मोहब्बत से देखते हैं और बड़ी रिस्पेक्ट करते हैं आप हैं ऐसे काम अल्लाह पाक आपको और बड़ी तरक्की दे आप बड़े मेहनती हैं जज़ाकअल्लाह बड़ा वर्क कर रहे हैं आप जो जो काम करते हैं बड़े इसको रिस्पेक्ट के साथ करते हैं बड़ी और यही चीज है कामयाबी बिल्कुल बिल्कुल इसी तरह कितनी ईदी मिली है 20,000 से ज्यादा हो गई है तो क्या हिसाब किताब है फिर हम हाफ हाफ भी कर सकते हैं बहुत तेज हो रहा है आप बताओ 10,000 हमसे ज्यादा बच्चे ईदी ले रहे हैं मैं ईदी में पता कितने मिलते थे 200 रुपए 300 रुपए 200-300 इधर आओ बात सुनो बात सुनो बात सुनो ईदी कितने पैसे मिल गए हैं ईदी आपको यार ये क्या है 18,000 19,000 और 20,000 और इधर 23,000 के पास पास पहुंचे हुए हैं एक फैमिली के बच्चे लाख रुपए इकट्ठा कर लिया चार बच्चे लाख रुपए इकट्ठा 50-50 कोई ना कोई जुगाड़ लगाना है ठीक है ना आप सब रेडी हो जाओ मैं वीडियो भी बना लिया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पिस्ता कोई बादाम कोई चीज पड़ी है दिल कर रहा जरा हाँ बादाम ले हैं पिस्ता जो भी पड़ा ले लो जी बादाम आ गया बादाम आ गया वाह 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 दिमाग तेज होने वाला मेरा ईद के पैसे इतने ज्यादा मिल गए आपको ईदी ये बताओ रोजे रखें रखे। कितने रखें मैंने नौ रखें आपने कितने रखें सात आपने दस 9, 7, 10 23,000 18,000 17,000 भला ये यार ज्यादती है यार नहीं इतने पैसे ले लिए ईदी आपने रोजे सिर्फ 9, 7, 10 क्या किया जाए आधे आधे पैसे वापस दे दो आराम से नहीं देना क्यों नहीं देना आपने भी नहीं देना ये 7 अप एस्टैब्लिश की है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्ट्रॉबेरी और 7 अप नया कॉम्बिनेशन है जी ट्राई करते हैं इसको जरा ये मैंने याद किया इसको अच्छा जी आपने मतलब बनाया दूध में शेक करके पीते हैं मैं 7 अप बड़े शहरों में इसका ट्रेंड क्या बात है स्ट्रॉबेरी और 7 अप सही है जबरदस्त नई रेसिपी है जी मजेदार ए फ्यू मोमेंट्स लेटर अच्छा जी अब बारी है खाने की और खाना खाने के बाद फिर सनाटा नींद पूरी करनी है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम खाना वगैरह खा लिया अब टाइम होता है नींद पूरी करने का सोता हूँ मुलाकात होगी नींद पूरी करने के बाद ओके एक लंबी और गहरी नींद सोने के बाद दोबारा से उठे हैं और अब कपड़े पहन लिए ईद बड़ी मजे की गुजर रही है क्या है जी सो के गुजरी है आपकी कैसी गुजरी है वो भी आपने बताना है अब मैं बाइक निकालने लगा कहीं जाने का प्लान है पता नहीं कहाँ जाने का प्लान है बस निकलते हैं जहाँ भी बैठे हम वहाँ जन्नत बना बैठेंगे अच्छा पार्क पत्र में ना सिर्फ दो ही पार्क हैं जिसमें लोग ईद के दिनों में या कुछ त्यौहार होते हैं उनमें वहाँ का रुख करते हैं एक पार्क आता है ये बाबा फरीद पार्क लोग इस पार्क में भी आते हैं और इसके साथ वो दूसरा पार्क है वो भी इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ उस पार्क में भी लोग आते हैं अच्छा मुख्तलिफ त्यौहार होते हैं ना उन त्यौहारों में यहाँ सिर्फ फैमिली अलाउ होती है फैमिली के अलावा आप एंट्री नहीं कर सकते हम मैं दरअसल मीडिया से हूँ तो वो एंट्री फ्री है इस तरह अगर आप किसी भी इंडिविजुअल बंदा आता है मेल उसको एंट्री नहीं है फैमिलीज के साथ लोग आ रहे हैं ईद मना रहे हैं हमने क्या है जी लाहौर से वापस आए हैं तो फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर लिया अब थोड़ा सा अकेले क्योंकि मैं ज़्यादा अकेला रहना पसंद करता हूँ मुझे ये अच्छा भी लगता है दे दो यार एक लें जी अच्छा यहाँ सारे ना बच्चे खड़े हुए हैं कह रही जी हमें भी व्लॉग में लेकर आओ अच्छा बताओ मज़ा आ रहा है ईद का बहुत ज़्यादा कितना मज़ा आ रहा है बहुत ज़्यादा ईदी कितनी मिली है 500 ईदी मिली है तो बड़ा मज़ा आ रहा है वाह जी वाह 500 में बहुत मज़ा आ रहा है वैसे ये अच्छी चीज़ है कि यार आप कितने भी पैसों में खुश हो रहे हो बड़ी बात है वैसे मैं सोच रहा हूँ कि ना कोई झूला वगैरह भी लिया जाए आगे चलते हैं ज़रा वहाँ झूला लेते हैं कोई भी मतलब ट्रेन वगैरह है या कोई भी है ना किसी भी किस्म का तो हम झूला चल के लेते हैं वहाँ मैंने प्लान किया कि अब ये लिया जाए आवाम जो उतर रही है ये भाईजान टिकट दे रहे हैं और अच्छी खासी आवाम यहाँ मौजूद है टिकट लेने के लिए भाईजान हमें भी टिकट दे दो यार एक कितने की टिकट है भाई
भाई जान कितने की टिकट है? 100 रुपए की दो जरा एक जल्दी दे लो। एक हम टिकट ले रहे हैं फिर हम ऊपर चलते हैं। टिकट दे लो एक। लो जी टिकट आ गई साढ़े पास। टिकट मिल गई। अब हमने एंट्री मारनी है यहाँ से इस जाने। चलें जी चलें 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 आगे चलते हैं फुल आगे। ये भाईजान इंजन चालू कर दिया है। आवाम जो है वो सारी बैठ चुकी है और हम भी बैठ चुके हैं भाई मजा करने के लिए। मजा आ गया बहुत जबरदस्त बहुत ही आला। अंकल आप बताएं कैसा लगा आपको? ये सारा ऐसे लग रहा है कि जैसे किसी भी टाइम ना गिर जाएगा इतना ढीला इन्होंने बनाया हुआ। भाई कैसे हैं? ईद मुबारक। कैसी गुजरी ईद? अभी तक तो नींद ही पूरी नहीं हुई। नींद नहीं पूरी है। कितनी ईदी होगी? पता नहीं यार अभी गिनी नहीं। गिनो गिनो चलो निकालो 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 शाबाश गिन। ओए कड़कने सारे कड़कने हैं? सारे कड़कने। एक दो उन्नीस हजार। ओए यार कल कोई प्रोग्राम बनाते हैं। किस चीज का? कोई शुगर वगैरह ना। शुगर रुको जरा खाने पीने का क्या रहे? ओ भाई क्या बात है जिंदाबाद शाबाश भाई निकला यार मेरा। भजन कह रहे हैं कि यार खाने पीने का प्लान कैसे लगते हैं हम लोग? बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे पास मुबशर भाई और साथ में सलमान भाई मेरी वीडियोस देखते हैं और बड़ी मोहब्बत करते थे और इन्होंने कहा जी नदीम भाई आप मेरे साथ आए आज कुछ लम्हात हमें भी आप अनायत करें तो मैंने कहा चलें जी भाई आपके साथ भी। कैसे हैं आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। सबसे पहले तो भाई मैं नदीम भाई का बहुत बड़ा फैन हूँ। भाई नदीम भाई के मैं सारे ब्लॉग्स देखता हूँ माशाल्लाह मुझे बहुत खुशी हुई की हमारे पाक वतन में भी ऐसा लड़का निकला है की जिसको मतलब लोग मोहब्बत कर रहे हैं चाह रहे हैं। तो मैंने नदीम भाई से कहा कि भाई हमें भी टाइम दे थोड़ा सा ईद में। तो नदीम भाई ने हमें आज टाइम दिया तो अभी हम जा रहे हैं जी आगे देखते हैं हमारा क्या। लेट्स सी। भाईजन भी हमारे साथ हैं वो सारा चुप चुप करके बैठे हुए हैं इनको जरा बुलवाते हैं आगे चल के। अच्छा ये है जी फूड स्ट्रीट। अब चलते हैं अंदर। हमने ऑर्डर किया था ये कढ़ाई है कलमी टिक्का था ये फ्राइड राइस। सबसे मजे की चीज है यार सर्विस 10-15 मिनट में बाकी रेट में बाद में करूंगा। इनके ना एंबियंस बहुत अच्छा है जगह लोकेशन बैठने के लिए फैमिलीज के लिए बहुत अच्छी है। ये कब से खामोश 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 बैठे हुए हैं सलमान भाई खामोश क्यों हैं? नींद आई हुई है ईद है ना सुबह के उठे हुए हैं चांद रात में भी उठे रहे होंगे इसी तरह। चलें जी अब बिस्मिल्लाह करते हैं। क्या बात है जूसी है बिल्कुल कलमी टिक्का मजे का यार। कोशिश करेंगे चले चले बस धीरे 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 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही है टेस्ट मतलब नॉर्मल है। कितना रेट करेंगे कढ़ाई को आप? मैंने भी खाया दो तीन लुक में ले लिए मैंने तो दो तीन लुक में से पता चल गया था। 7 नंबर मेरी तरफ से। और कलमी टिक्के को आप कितना? कलमी टिक्के को मैं करूँगा 9। जी गाइस बहुत मजा आया हमें नदीम भाई के साथ मिलकर। हमने बैठ के खाना खाया गपशप की यूट्यूब के बारे में हमने थोड़ी सी इनसे मालूमात ली बहुत मजा आया। तो अब आए हैं जी बोंजर हमने चाय शाय भी पी लें आखिरी स्टॉप है हमारा उसके बाद नदीम भाई को हम ड्रॉप करते हैं। भाई भाई चाय पीते हैं फिर यहाँ से निकलते हैं। चाय ले ले चले ले जनाब जी चाय आ चुकी है हमारी अच्छी है। खाना भी खाया हुआ था मैं सोच रहा था यार कॉफ़ी पी लूँ लेकिन मैंने कहा नहीं खाना खाया तो चाय अच्छी है क्योंकि चाय मुझे पसंद भी है भाई और चाय मेरी वीडियो देखने वालों को ज़्यादा से ज़्यादा पसंद है। अच्छा खाना खा लिया चाय पी ली आज का दिन बहुत 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 ज़बरदस्त गुजरा आपको सब दिखा दिया जितना हो सका मैंने उसको कवर किया। कल का व्लॉग कल एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है वो नए व्लॉग में आएगा कल के व्लॉग में सरप्राइज़ समझ रहे हैं सरप्राइज़ ज़िंदगी में होने चाहिए। आगे आने वाले जो व्लॉग है ना उनमें बड़ी बड़ी ऐसी ऐसी चीज़ें मैं शेयर करने वाला हूँ आप देख के हैरान रह जाएंगे। तो मुझे लगता है इस व्लॉग को हम यही एंड करें। लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा बेल आइकन को लाजमी क्लिक कर दीजिएगा। भाई जाने इधर आके देख रहे हैं कि वीडियो सही बन रही है कि नहीं बन रही। अच्छा वीडियो अच्छी बन रही है तो हम इस व्लॉग को यही एंड करते हैं। बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें हर आने वाली वीडियो आप तक पर वक्त पहुँच सके। इसी के साथ अपने मेज़बान नदीम अशरफ को इजाज़त दीजिए नई वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।